की बीबू करीना कपूर खान हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। करीना जो अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में करीना ने 21 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। सैफ और करीना एक बार फिर से पेरेंट्स बन चुके हैं। सैफ और करीना अपने नन्हे से बेटे के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो वही शानदार तोहफे भी मिले हैं सैफ और करीना के दूसरे नन्हे से बेटे को। पटौदी परिवार में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और पटौदी परिवार का हर एक सदस्य काफी खुश भी है। ऐसे में देखा जाए तो जहां एक ओर सैफ और करीना को बधाई संदेश मिले हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स और परिवार के कई सदस्यों के साथ साथ सभी रिश्तेदारों से, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सैफ और करीना के नन्हे से बेटे की झलक पाने के लिए बेताब होते हुए नजर आए फैंस। करीना ने बीते कुछ दिनों पहले ही अपने नन्हे से बेटे की झलक से रूबरू कराया। करीना ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के खास मौके पर अपने नन्हे से बेटे की झलक दिखाई, लेकिन जहां एक ओर करीना अपने नन्हे से बेटे के साथ वक्त बिता रही हैं, तो वहीं करीना को दूसरी तरफ ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल करीना को बीते कुछ दिनों से कहीं ना कहीं स्पॉट किया जा रहा है। इस दौरान करीना कभी सैफ के साथ नजर आए तो कभी तैमूर के साथ, लेकिन करीना के साथ देखने को नहीं मिला उनका दूसरा नन्हा सा बेटा। इस बीच देखा जाए तो अब सोशल मीडिया पर करीना को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में करीना को सैफ अली खान के साथ एक कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान स्पॉट किया गया था। वहीं 11 मार्च के दिन करीना को स्पॉट किया गया बहन करिश्मा कपूर के घर, और उस दौरान करीना अपनी मां बबीता कपूर और तैमूर अली खान के साथ पहुंची समायरा कपूर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। करिश्मा की बेटी समायरा 16 साल की हो चुकी है और समायरा को विश करने पहुंची थी करीना, लेकिन उस दौरान भी करीना के साथ उनके नन्हे से बेटे नजर नहीं आए। लेकिन हाल ही में करीना को एक बार फिर से स्पॉट किया गया है। करीना को स्पॉट किया गया उनकी बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा के घर के बाहर। करीना हाल ही में हैंग आउट करने पहुंची अपनी क्लोज फ्रेंड अमृता अरोड़ा के घर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। इतना ही नहीं, करीना के साथ साथ स्पॉट की गई बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी। इस दौरान करीना काफ़ी स्टाइलिश लुक में नजर आई। करीना नजर आई इस दौरान स्काई ब्लू कलर की लूज शर्ट में, और इसके साथ करीना ने व्हाइट कलर का प्लाजो भी कैरी किया। हाथ में करीना के हैंडबैग नजर आया और चेहरे पर मास्क लगाई हुई दिखी। करीना का ये स्टाइल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन करीना को जमकर ट्रोल किया गया कपड़ों के चलते, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर फैंस पूछते हुए नजर आए हैं कि उनका दूसरा बेबी कहाँ है। दरअसल यहाँ पर यूजर्स ने कमेंट किए हैं करीना पर कि आखिरकार वह हैंगआउट कैसे कर सकती हैं अपने बेबी को घर छोड़कर। एक यूजर ने लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ मदर इज दिस हु लीव हर न्यूबॉर्न बेबी एंड हैंगिंग आउट विजिटिंग हर फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, सच में घोर कलयुग है, न्यूबॉर्न बेबी को छोड़कर घूम रही हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है, वेयर इज दी बेबी। इसके अलावा यहां एक यूजर ने लिखा है, हम तो 3 मंथ घर के बाहर नहीं निकलते आफ्टर बेबी बॉर्न, और जहां बेबी पीछे, ये देखो बेबी को घर में छोड़कर बिंदास। और इस तरह से करीना के हैंगआउट करने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ये तमाम कमेंट्स किए हैं। करीना जो अपने बच्चों का खास ख्याल रखती हैं, करीना जो अपने बच्चों पर भरपूर प्यार लुटाती हैं, तो वहीं करीना के हैंगआउट पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं फैंस। वेल देखा जाए तो करीना हमेशा ही अपने बच्चों पर प्यार लुटाती हैं और उनका बखूबी ख्याल भी रखती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।